हेलो गाइस, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री रीडर की लेसन नंबर 2, एडवेंचर ऑफ टोटो। हैव यू एवर हर्ड हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट? आपने कभी एक छोटे से मंकी को एज अ पैट रखा है क्या? टोटो यहाँ पे बेबी मंकी है। टोटो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है वो एक मंकी का छोटा बेबी होता है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज अ मिस्चीवियस और अ डॉक्टर। वो मिस्चीवियस है मतलब मस्तीखोर है या फिर फ्रेंडली है, उसके बारे में देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट अ टोटो फ्रॉम देन डोंगा ड्राइवर फ्रॉम देन सम ऑफ द 5 रुपीज। जो दादा थे वो टोटो को खरीद कर लाए थे। टोंगा ड्राइवर मतलब जो कार्ट को खींचते हैं ना, लारी वारी खींचते हैं और टोंगा चलाते हैं, वहाँ से उनके पास से 5 रुपए में ये टोटो को बाय करके लाए थे। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द फीडिंग ट्रू एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस दैट द ग्रैंड फादर डिसाइडेड दैट ही वुड एंड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यहाँ पे जो टोंगा ड्राइवर था वो मंकी को एकदम वो रेड टाइप का छोटा सा रेड मंकी था, तो उसको ना रोड से बांध करके रखते थे, मतलब रस्सी से बांध के रखते थे। द मंकी लुक सो आउट ऑफ द प्लेस दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। वो इतना मस्ती खोता था, दादा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जू में डाल दूँ। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही खूबसूरत मंकी था। उनकी जो आइज थी, हिज आइज ब्राइट स्पार्कल विद मिस्चीवियस बिनेट डीप सेट आईब्रो। उनकी जो आंखें थी वो चमकीली थी, एक मस्तीपन भरा हुआ था। उनकी आइज एकदम गहरी थी एंड हिज टीथ विच आर अपीयरली वाइट। और उसके टीथ एकदम वाइट थे, पॉली वाइट, मतलब मोती होते हैं ना, मोती के दाने की तरह वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन हिज स्माइल दैट फ्राइटन्स द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और अपनी स्माइल से उन्होंने एक बार एंग्लो इंडियन लेडीज को भी डरा दिया था। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन अ पिक्ड इन सन फॉर द ईयर्स। और उनके जो हाथ है वो एकदम ड्राइड है, मानो ऐसा कि सालों तक वो सन के अंदर नहाए हो, सन के अंदर कड़क धूप में कड़क हुए हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड द वेट, पर लेकिन उसकी जो फिंगर है एकदम पतली सॉफ्ट जैसी ही। इसकी टेल्स वो वाइल्ड एडिंग टू हिज गुड लुक। उनकी जो टेल है उनके मतलब लुक में और बढ़ाती है, मतलब और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर मानते थे, दादा मानते थे कि किसी भी एनिमल की टेल उसकी खूबसूरती को निखारते हैं। ऑल सर्व्स एज अ थर्ड हैंड, ही कुड यूज़ इट टू दी हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस। अगर दूसरे हैंड देखने जाएंगे, थर्ड हैंड देखने जाएंगे, तो ये जो पूछ होती है वो उन्हें डाली पर लटकने के लिए मदद करते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड। और ये ऐसी चीज़ों को पकड़ने में भी मदद करते हैं जो चीज़ें उनके हाथ से दूर होते हैं, तो वो अपनी पूछ का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज व्हेन देन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। दादी बहुत ही गुस्सा होती थी दादा के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ नए एनिमल्स लाते रहते थे घर में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंट शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली अ गुड मूड। सो इसीलिए ऐसा डिसाइड किया कि दादा ये चीज़ दादी से सीक्रेटली रखेंगे जब तक वो एक अच्छे मूड में ना आए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। मैंने और दादा ने मेरे रूम के अंदर एक छोटे से डब्बे के अंदर हम लोगों ने इसे रखा, वेर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जिसको हमने एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर लिया था। और सो वी थॉट टू पैक फास्टर इनटू द वॉल। और हम लोगों ने सोचा कि एक वॉल जैसा बना दिया जाए जिसके अंदर वो रह पाए। अ फ्यू आवर्स लेटर द व्हेन द ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू रिलीज द टोटो, थोड़े घंटे के बाद जब मैं और दादा उसे छोड़ने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय द ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट ऑफ द नेक्ड ब्रिक्स एंड द प्लास्टर्स। The peg in the hole had been wrenched from his sockets. My school bludgers, which had been hanging there, was in shreds. जब वो लोग वापस आके देखे तो सब चीज़ें इधर उधर थी। जो वॉल के अंदर जो ऑर्नामेंटल पेपर लगाया था वो निकाल दिया था, ब्रिक्स दिख रही थी, प्लास्टर दिखाई देने लगा था, जो यहाँ पे जो छोटा बेबी होता है उनका स्कूल का जो ब्लेजर होता है वो भी फट गया होता है, वो हैंग हो रहा होता है, लटक रहा होता है, तो सब चीज़ें इधर उधर हो गई थी। आई वंडर दैट द ग्रैंड मदर वुड से बट द ग्रैंड फादर्स डिडंट वरी। यहाँ पे उनको लगा, जो हमारे जो दूसरे जो छोटे बेबी है, छोटे नरेटर है, उन्होंने उनको लगा कि शायद दादी गुस्सा करेगी, लेकिन दादा को यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं थी। ही सीम्स प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस। वो बहुत ही खुश हुए, ग्रैंडफादर बहुत खुश हुए टोटो के परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर सेड द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं वो बहुत ही होशियार है। गिवन अ टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव अ टाइड अ टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर्स इनटू द रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो।
यहाँ पे दादाजी बोलते हैं कि थोड़ा वेट करो, मुझे लगता है कि ये जो पीसेस है तुम्हारे ब्लेजर्स के, उसको बना के वो रोप बना लेगा और विंडो में से भागते हुए टाइम नहीं लगेगा उसे। हिज प्रेजेंट इन देन हाउस इज स्टिल सीक्रेट। अ टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू द बिग केज इन देन सर्वेंट क्वार्टर्स वेर अ नंबर ऑफ द ग्रैंड फादर्स पेट्स लीव्स वेरी सोशियबली टूगेदर। अ टॉर्टॉइस, अ पैर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइट माई पैग पैट गॉट। यहाँ पे उनके यहाँ एक घर में एक जगह होती थी जहाँ पे ये सारे जो एनिमल्स है उसे सीक्रेटली रखा जाता था। टोटो भी अब उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है एक बड़े से पिंजरे में रख के, जहाँ पे और सारे और ज़्यादा और दूसरे भी एनिमल थे एक्चुअली। टॉर्टॉइस थे, रैबिट थे, दो पैरिंग वाले स्क्विरल्स थी, फिर यहाँ पे जो हमारे नरेटर होते हैं छोटे नरेटर, उनकी पैट गोट भी वही थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी जो टोटो था वो अपने कंपेनियर अपने साथीदारों को रात में सोने ही नहीं देता था। सो द ग्रैंडफादर हु हैड टू बी लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो सहारनपुर जा रहे थे अपना पेंशन रिसीव करने के लिए, तो वो उनको साथ में लेके जाएंगे क्योंकि वो बाकी एनिमल्स को बहुत डिस्टर्ब करता था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप्स बट ही टोल्ड मी अबाउट हिज आफ्टरवर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली मैं दादा के साथ नहीं जा पाया वो ट्रिप के बाद, लेकिन उन्होंने क्या हुआ वो मुझे बाद में आके बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर द टोटो। टोटो को एक बड़ी सी ब्लैक कैनवास किट बैग के अंदर ले जाया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, नीचे बॉटम के अंदर एक स्ट्रॉ रखी गई, बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, ताकि वो वहाँ से निकल पाए। वैन अ बैग वॉज क्लोज देर वॉज नो एस्केप। एक बार बैग बंद हो जाए तो वहाँ से भागने का कोई तरीका ही नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हीज हैंड थ्रू द ओपनिंग। टोटो वहाँ से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ होल थे उसकी सांस लेने के लिए। कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बिट हीज वे थ्रू। कैनवास इतना मोटा था कि वो अपने दांत से भी नहीं काट पाएगा। हीज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड एन इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन अ फ्लोर और ओकेजनली जम्प इनटू द एयर एंड एग्जीबिशंस दैट अट्रैक्टेड द क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो बहुत बारी ट्राई करता था वो बैग में से बाहर निकलने का, तो उसकी वजह से क्या होता था रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बैग है कभी कभी रोल होने लगती थी अपने आप, या फिर वो हवा में ऐसे जंप करती हो वैसे लगती थी, तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। टोटो रिमाइन इन दैन बैग एज फार एज द सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल्स टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ ग्रीन। ये एक्चुअली बैग का सीक्रेट पूरे थ्रू आउट दी जर्नी सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब दादा टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर गए तो वो क्या किया, उसने जिप खोल के बैग से अपना मुंडी बाहर निकाल कर टिकट कलेक्टर्स को, उन्होंने जो टिकट कलेक्टर थे उनको एक स्माइल दे दी। द पुअर मैन वॉज टेकन बैक और जो यहाँ पे टिकट कलेक्टर होता है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है बट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द माइंड एंड मच टू द फादर्स अनॉयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू You'll have to pay for it accordingly. So यहाँ पे grandfather ने actually ये चीज़ को अपने presence of mind से solve किया और बोला कि सर आपके पास dog है तो आपको फिर उसके accordingly ही pay करना पड़ेगा, मतलब उसकी travelling charges भी pay करने पड़ेंगे। इन अ वेन इन एन grandfather's take a टोटो out of the bag और फिर उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाल दिया। इन अ वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। उन्होंने इनको बताने के लिए टिकट कलेक्टर को बताने के लिए कि ये डॉग नहीं है ये मंकी है, और इवन क्वाड्रिप्स टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने सिचुएशन को संभालने के लिए ऐसा बोल दिया था डॉग को, लेकिन यहाँ पे दादा बहुत ही फॉर्म में आ गए तो उन्होंने उसको ही बाहर निकाल दिया तो टिकट कलेक्टर को ये बताने के लिए कि ये मंकी है डॉग नहीं। एंड 3 rupees वॉज सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, तो इसीलिए मंकी के ट्रैवलिंग चार्जेस दादा को 3 rupees यहाँ पे करने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from him a pocket out of a pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all the animal? फिर उन्होंने जेब से tortoise निकाला और पूछा टिकट कलेक्टर को आप इसके लिए क्या चार्ज करोगे। सो यहाँ पे और वो taken back हो गया टिकट कलेक्टर। द टिकट कलेक्टर looked closely at a tortoise, prodded it with his forefinger, gave the grandfather a please and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. So यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर होता है वो पहले उसको फिंगर से टच करता है और बोलता है ये पैट नहीं है ये डॉग नहीं है तो हम लोग इसके लिए कोई चार्जेस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ग्रैंडफादर सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ इस हिसाब से दोनों के बीच का इवेंट हो रहा होता है और आजूबाजू वाला क्राउड उसको देख रहा होता है। व्हेन द टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई द ग्रैंडमदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब ग्रैंडमदर को ये पता पड़ा
तो उन्होंने अग्री करा टोटो को घर पे रखने के लिए, वेर ही हैड टू अकम्पनी अ फैमिली डोंकी नाना. सो यहाँ पे उनको डोंकी नाना के साथ रहना था. ऑन द टोटो'स फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल द ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल. पहली रात को ग्रैंडफादर ने ये चेक करने के लिए कि टोटो कम्फर्टेबल तो है या नहीं, ऐसे करके वो रात को देखने गए उसको. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर्स एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे. यहाँ पे देखने जाएंगे तो नाना बहुत ही गुस्से में थे वहाँ पे डोंकी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जितना बने उससे दूर रहने की ट्राई कर रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके जो कान होते हैं वहाँ पे डोंकी के, वहाँ पे नाना एक जोर से चमाट मारते हैं नाना को. एंड शी जर्क अ बैक, और फिर वो थोड़ा हिल जाता है. एंड ड्रैगिंग अ टोटो विद हर, और उसको टोटो के पास लेके जाता है. ही हैड फास्टन ऑन टू हर, और जो टोटो होता है वो थोड़ा उसके पास आता है. टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल फ्रेंड. टोटो एंड नाना नेवर बिकम अ फ्रेंड, और जो टोटो होता है वो नाना के कान पे काट लेता है, और फिर दोनों कभी फ्रेंड नहीं बने. दोनों को एक दूसरे की कंपनी कभी पसंद ही नहीं आई. अ ग्रेट ट्रेट फॉर द टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज दैट लार्ज बाउल ऑफ अ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually slip into the bath, first one foot, then the other, had seems me doing until he was into the water up to his neck. जब गर्मी ठंडी की सीजन थी तो ग्रैनी ने पीने के लिए गर्म पानी दिया, तो टोटो ने क्या किया, पहले फिंगर्स डाल के उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर वो बाथ ले रहा हो वैसे करके उसके अंदर सो गया. पहले एक पैर डाला, फिर दूसरा, फिर पूरा नेक तक पूरा उसके अंदर डूब गया. ग्रैंडफादर को एक्चुअली ऐसा करते हुए देखा होगा, उसी हिसाब से उसने एक्टिंग किया. वन कंफर्टेबल ही वुड टेक अ सोप इन हिज हैंड और अ फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. साबुन लिया उसने, पूरे अपनी बॉडी को रगड़ दिया. व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट ऑफ एंड रन एज क्विकली एज ही कुड किचन फायर इन द टू ड्राई हिमसेल्फ. जब पानी ठंडा होने लगा तो वो भागा, मानो उसकी पूछ में आग लग गई हो, मतलब किचन फायर में आ गया हो, वैसे करके अपने आप को ड्राई करने के लिए इधर उधर भागने लगा. इफ़ एनीवन लाफ एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस टोटो'स फीलिंग वुड बी हर्ट. जब कुछ परफॉर्मेंस दे रहा होता है टोटो और कोई उसके ऊपर हंस दे तो टोटो को बहुत खराब लगता था, हर्ट फीलिंग होती थी. ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन टू विद हिज बाथ, सो वो नहाने के लिए भी मना कर देता था. बट टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो क्या हुआ कि टोटो ने अपने आप को बॉयल ही कर लिया था ऑलमोस्ट. और लार्ज किचन कैटल्स हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू इट. चाय की जो किटली होती है वो किचन में गर्म करने के लिए रखी थी, और उससे लगा कि वो आगे जैसे बात के लिया था, उसने लगा कि इसकी इससे बेटर तो क्या अच्छा नहीं होगा. सो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लीड. उसने लीड निकाल दी, ऊपर का ढक्कन हटा दिया. एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, उसे लगा कि हाँ ये पानी इतना गर्म तो है, मैं नहा सकता हूँ. ही गॉट इन, वो अंदर चला गया. With his head sticking out from the open kettle, this was fine for him. पहले तो उसको अच्छा लगा. Until the become the boil, धीरे धीरे पानी में उबाल आने लगा. Toto then raised himself a little, थोड़ा बाहर आया. But finding it cool outside, उसे बाहर वापस से ठंडा लग रहा था तो वो अंदर वापस से बैठ गया. He continued hoping up, down for the some time, until the grandmother arrived and hauled him half boil out of the kettle. So यहाँ पे वो थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर कर रहा था. ग्रैंडमदर सडनली आई, उन्होंने बोला ओ बाहर निकल, ये क्या कर रहा है ऐसे, और वो तब तक हाफ बॉयल हो चुका था. और फिर उन्होंने कैटल से बाहर उसको निकाला. इफ देर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू द मिस्चीफ दैट द पार्ट वाज लार्जली डिवोटेड टू द टोटो. अगर मिस्चीवियस में सबसे बड़ा ब्रेन अगर किसी के पास बोला जाएगा तो वो टोटो के पास था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग द थिंग्स टू द पीसेस, चीज़ों को टुकड़ों में बांट देता था, फाड़ देता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम्स नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेसेस एंड टियर द होल इन इट. जब मेरी आंटी जब उनके पास जाती थी, यहाँ पे जो हमारे छोटे नरेटर है, बेबी नरेटर्स है, वो बोलते हैं कि जब भी हमारी आंटी उनके पास जाती थी तो वो उनके कपड़ों में भी होल बना देता था. वन डे एट अ लंच अ लार्ज डिश ऑफ अ पुलाव स्टूड्स इंटर द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम. लंच का टाइम था, एक दिन की बात है, पुलाव रखा था एकदम बड़ी सी डिश में, ठीक है. ही एंटर द रूम टू फाइंड द टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस. हम लोग अंदर आए तो हम लोगों ने देखा कि जो टोटो है वो राइस ले रहा है अपने लिए. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्स एंड टोटो थ्रू द प्लेट्स एट हिम. मेरी जो नानी थी वो चिल्लाई और टोटो ने जोर से उनके ऊपर प्लेट मार दी. वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड, और मेरी एक आंटी अंदर भागते भागते आए कि क्या हुआ. एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फैंस व्हेन द ग्रैंडफादर अराइव, और फिर मेरी नानी के लिए एक ग्लास पानी लाए. तब तक ग्रैंडफादर मेरे नाना आ चुके थे. टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ अ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो. टोटो ने क्या किया, अपनी डिश भर के पुलाव ले लिया और फिर वो खिड़की से भाग गया.
वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड द डिश स्टिल्स इन हिज आर्म. उसके हाथ में ही थी वो डिश और वो जैक फ्रूट ट्रीज के अंदर बैठ के वो डिश को पकड़ के रखा था. ही रिमाइंड देयर ऑल द आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमिन ऑन द फिनिशिंग एवरी ग्रेन. वो उस दिन आफ्टरनून पे पूरे एक 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 राइस मतलब खा रहा था. उसका मतलब था ये सब चीज़ें फिनिश करनी है, एक एक दाना खाना है. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम ही थ्रू अ डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. जब वापस ग्रैंड मदर चिल्लाए तो उसने डिश को नीचे फेंक दिया. एंड चैटर विद अ डिलाइट व्हेन इट ब्रोकन इनटू द 100 पीसेस. और वो जोर जोर से ऐसे आवाज़ निकालने लगा जब वो बहुत सारी पीसेस में डिवाइड हो गई डिश. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ शॉर्ट ऑफ अ पैट वी कुड कीप फॉर द लॉन्ग. टोटो एक ऐसा एनिमल है कि हम लोग लंबे टाइम तक उसको अपने पास नहीं रख सकते. इवन अ ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर को भी ये लगा वी वर नॉट वेल टू डू. हम लोग इतने अमीर भी नहीं थे उसको अफोर्ड कर पाए, उसकी चीज़ों तोड़ना अफोर्ड कर पाए. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज क्लोथ्स कर्टन्स वॉलपेपर. और जो बारी बारी वो चीज़ें डैमेज जो कर रहा है डिश के क्लोथ्स के कर्टन्स में वॉलपेपर में वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो द ग्रैंड मदर फाउंड अ टोंगो ड्राइवर एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 1 rupees. तो उन्होंने टोंगो ड्राइवर ढूंढा, उन्हें वापस दे दिया सिर्फ 1 rupee में. उन्होंने 5 rupee में खरीदा, 1 rupee में वापस दे दिया. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.